कौन सा एक्सप्रेस वे है? दिस इज आगरा एक्सप्रेस वे, क्योंकि मैं जा रहा हूँ लखनऊ से राजस्थान, दैट इज भिवाड़ी, माय सेकंड होम। हाँ तो भाई, मैं अब फाइनली पहुंच गया अपनी सोसाइटी, और मैं अभी आपको सोसाइटी नहीं दिखा सकता क्योंकि रात हो गई है और बहुत सारी चीज़ें आपको दिखानी है। आगे आने वाले ब्लॉग्स में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आजा 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 आजा। ढूंढने जा रही हैं काम वाली को। काम वाली इज हाईली रिक्वायर्ड हियर। हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। अभी गुड मॉर्निंग्स ऐसी होंगी यहाँ की, आप इससे पहले वाले ब्लॉग्स में इस तरह का नहीं देखते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एम्बियंस बहुत अच्छा है तो आपको भी देख के अच्छा लगेगा, मुझे भी ब्लॉग बनाते हुए अच्छा लगेगा। दिस इज माई सोसाइटी। ये है हमारे सोसाइटी का कन्वीनियंस स्टोर जहाँ से हम लोग सामान लेते हैं। हाँ तो भाई, सामान ले लिया है कन्वीनियंस स्टोर से और अब लेके ऊपर जा रहे हैं अपने फ्लोर पे। 12th फ्लोर है मेरा। आइए कभी बैठते हैं, चाय में पीते। रूम का फैन नहीं चल रहा है, पापा वाले रूम का, मेरे रूम वाले फैन में भी आवाज़ आ रही है। बड़े दिन बाद आए हम लोग, जाहिर बात है वो मेंटेनेंस तो होना ही पड़ेगा। तो अभी मैं क्लब आया था बुलाने के लिए, यहाँ पे ये क्लब है, यहाँ पे मेंटेनेंस होता है, वाला मेंटेनेंस के बंदे हैं यहाँ पे, तो कोई भी ऐसे प्रॉब्लम हो तो हम लोग बोल देते हैं और लोग आ जाते हैं और कर देते हैं। सो अभी जा रहे हैं फ्लैट वापस। पापा के लिए कुछ दवाई लेने गया था क्योंकि पापा ने कल ड्राइव करा है तो उनको थोड़े पैर में तकलीफ हो गई, तो उनके लिए दवाएँ लेके बस अभी लौट रहा हूँ। अभी बहुत काम करना है। गाड़ी ये देख रहे हैं आप, पीछे पूरी गाड़ी भरी हुई है, ये पूरा खाली करना है, इसको खाली करके ऊपर सेट करना है, और दूसरी गाड़ी भी ऐसी भरी हुई है। लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू। तो अभी बालों में चुपड़ लिया है हमने तेल, नहाने की तैयारी, लेकिन उससे पहले शेव सेट कराना है क्योंकि मीटिंग भी है। और बाल तो अभी मेरे लेंथ ठीक हो रही है, नहा के अभी सही हो जाएंगे शैम्पू करके, लेकिन शेव सेट कराना ज़रूरी है। तो अभी बिल्कुल सोसाइटी के अंदर ही पास में ही है तो मैं पैदल ही जा रहा हूँ शेव सेट कराने के लिए, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। पता नहीं ये मेरे साथ ही होता है कि आप लोगों के साथ भी होता है कि हमेशा जब ध्यान आता है कि शेव सेट कराना है तो ट्यूसडे होता है, और ट्यूसडे को ज़्यादातर बार्बर शॉप बंद होती हैं। ये भी खाली है, ये लोग जो थे अर्बन स्टाइल वाले, ये सिर्फ सफाई करने के लिए आ जाए हुए थे, लेकिन मैंने इनके रिक्वेस्ट करा कि प्लीज़ मुझे, मेरी एक मीटिंग है तो मुझे शेव सेट कराना है, कर दीजिए। तो खैर इन लोगों ने कर दिया, दे आर वेरी नाइस पीपल, थैंक यू सो मच अर्बन स्टाइल। तो अब मैं नहा धो के साफ सुथरा हो गया हूँ, और अभी सादिया मम्मी और पापा कबीर को लेके गए हैं नीचे, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे यहाँ पे खेलने के लिए आते हैं और उसके लिए बहुत नई नई चीज़ होगी क्योंकि क्लब में ले गए हैं उसको। अभी आपको दिखाते हैं हम लोग का क्लब कैसा है, और बच्चे आप पता नहीं देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, नीचे स्विमिंग कर रहे हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। वेट, ये जहाँ बच्चे स्विमिंग कर रहे हैं यही क्लब है, ये पूरा एरिया ये क्लब एरिया है। अंदर यहाँ पे लोग गए हुए हैं, अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। यहाँ पे भी ये जो एरिया है ये किड्स प्ले एरिया है, यहाँ पे भी बच्चे खेलते हैं। और इसकी खासियत ये है कि जो आप ये देख रहे होंगे ये जो कलरफुल सा एरिया है, इसमें बच्चे अगर गिरेंगे तो चोट उनको बहुत कम लगेगी क्योंकि इसमें कुशनिंग है। सो दिस इज किड सेंट्रिक सोसाइटी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। चलते हैं क्लब, चलिए दिखाते हैं आपको और क्या क्या चीज़ें हैं, लेट्स गो। तो अब हम लोग आ गए हैं क्लब हाउस में, और कबीर देखते हैं क्या कर रहा है। कबीर शायद ऊपर बहुत इंजॉय कर रहा होगा, लेके चलते हैं आपको कबीर के पास।
ये हमारा स्विमिंग पूल है। अभी कबीर को कोशिश करेंगे कि वो छोटा वाला जो है स्विमिंग पूल उसमें जम कराने की, और इसी के जस्ट ऊपर ये जो बिल्डिंग है ये अपनी बिल्डिंग है। तो अभी मैं एक बार देख लेता हूँ कि अगर कन्वीनियंस स्टोर में 2 साल के बच्चे के लिए स्विमिंग कॉस्ट्यूम है तो कबीर को जम करा सकते हैं। देख के आता हूँ मैं। ये लो स्विमिंग कॉस्ट्यूम, ये बच्चों वाला पूल है जहाँ बच्चे मतलब 2 साल के 3 साल के बच्चे, छोटे बच्चे, और ये बड़ा वाला पूल है हम जैसे बड़े बच्चों के लिए। अब लाल सिंह चड्ढा लाल सिंह चड्ढा चलिए काबी इधर। ये अरे वाह, भागा जा रहा, ये तो भागा जा रहा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ। जंप कबीर पहली बार स्विमिंग पूल में उतरे थे, जाहिर सी बात है 2 साल के बच्चा ऐसे तो जाहिर सी बात है डरेगा ही, थोड़ा सा डर लगा उसको, लेकिन थोड़ा सा कंफर्टेबल हो रहा था। मुझसे गलती हो गई, मैं अंदर गया था पूल में, लेकिन मैंने सोचा कि पूल में मेरा कार्ड भी रखा हुआ था, डेबिट कार्ड था मेरा, कुछ कैश भी रखा हुआ था जेब में। मैंने सोचा मैं मम्मी को दे दूं कि ये रख लीजिए। उतनी देर में उसको लगा कि मैं छोड़ के जा रहा हूं उसको, अरे उसके बाद तो भाई साहब उसको लगा कि ये छोड़ के चला जाएगा, और फिर अल्टीमेटली वो उसको बाहर नहीं निकालना पड़ा क्योंकि बहुत रो रहा था। मैंने अपना लोअर चेंज कर लिया अभी क्योंकि मेरी जीन्स एकदम भीग गई थी। तो अभी लेकिन फिर वापस आ गए क्योंकि कबीर का खेलने का और मन था। तो यहाँ पर अभी बहुत सारे स्विंग्स एंड झूले और बहुत सारे हैं, तो वो कबीर इन्जॉय कर रहे हैं। देखिए आप लोग क्या कर रहे होंगे। आ जाओ। नमस्ते मित्रा जी। हेलो, ये देखिए मेरी एक छोटी सी प्यारी सब्सक्राइबर यहाँ पे है, अनवी नाम है इनका, और मैं इनको एक एड शूट में भी ले चुका हूँ, ये मेरी वीडियोस देखती है। और अभी इन्होंने बताया कि इनका भी एक चैनल है शर्मा अनवी के नाम से, तो है ना शर्मा अनवी, ना शर्मा शर्मा जी अनवी, शर्मा जी अनवी के नाम से चैनल है। तो देखिएगा ज़रूर आप लोग, बड़ी क्यूट सी बच्ची है, प्यारी सी है, और बहुत अच्छा शूट रहा था इसका। इनकी मम्मी और पापा दोनों बहुत नमस्ते नमस्ते, ये एक छोटा सा बच्चा और है। हाँ तो भाई अभी हम लोग आए थे सादिया की आँखें टेस्ट कराने, लेंस कार्ड। तो सादिया क्या ये फ्रेम जो है वो सेलेक्ट हुआ है, इनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा फ्रेम अच्छे नहीं लगते हैं, तो लेकिन अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद ये फ्रेम मेरे हिसाब से इनके ऊपर अच्छा लग रहा है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कैसा लग रहा है। और अभी ये लेंस कार्ड में एक ऑफर चल रहा था कि बाय वन गेट वन वाला, तो उसके लिए मेंबरशिप आपको लेनी पड़ती है, तो हम लोग ने ली वो। और ये फ्रेम जो आप मेरा देख रहे हैं ये मैं ले रहा हूँ। एक्चुअली मेरा पिछला फ्रेम जो था जो आप देखते हैं पिछले ब्लॉग्स में वो एंटी ग्लेयर नहीं है, तो अभी मेरा थोड़ा सा गुड़गांव दिल्ली जाना होगा, रात में लौटना होगा, तो उस लिहाज से मैंने सोचा कि बाय वन गेट वन वाला मैं भी बनवा लेता हूँ। सो एक ये ऑप्शन था, मैं दूसरा ऑप्शन आपको दिखाता हूँ। एक ये ऑप्शन था ये वाला, लेकिन ये अच्छा लग रहा है, काफ़ी क्लासी लग रहा है, मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, सबको बाकी यहाँ सबको अच्छा लगा। लेकिन मेरा पर्सनली ऐसा होता है कि मैं चश्मा ऐसा पहनता हूँ जो चेहरे पर ज़्यादा पता ना चले बहुत ज़्यादा, मतलब चेहरे ऐसा लग रहा है कि चश्मा पहना हुआ एकदम वैसा लग, मुझे अच्छा लगता है, तो मैं इसको नहीं कंसिडर कर रहा हूँ, मैं उसको कंसिडर कर रहा हूँ। तो अब हम लोग आ गए हैं वापस, और ये खबर ये मिल रही है कि कबीर यहाँ आके बहुत ज़्यादा शैतान हो गए, उनको संभालना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग थोड़ी सी प्लानिंग करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा वो बच्चों को इधर उधर धक्का उक्का दे रहा है, मुझे अच्छी चीज़ नहीं है। तो आज के ब्लॉग में आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई, बहुत सारी जगहें आपको घुमाई, और इसी तरह का और ब्लॉग देखने के लिए देखते रहिए फनकार फराज यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए चले हो। नया चश्मा बनवाने की खुशी में पार्टी। पार्टी छोड़िए आप, ये बताइए पेरी पेरी कहाँ है। कोई बात नहीं, हम मैक स्पाइसी चिकन से काम चला लें। वो मैक चिकन है जो उठाया आपने। कोई बात नहीं, हम मैक स्पाइसी चिकन से काम चला लें। अरे लीजिए, अरे शर्मा।